हाय गाइस, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज मॉड्यूलेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दी नेटवर्किंग। सो नेटवर्किंग में आपको ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो कि लॉजिकल बेस्ड है। आप अगर अपना लॉजिक थोड़ा सा यूज करोगे तो ही जाके आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से मालूम हो सकते हैं। इसके ऊपर जितना भी कुछ लॉजिक अप्लाई किया हुआ है या फिर इसका जो कुछ वर्किंग जिसको बोलते हैं हम लोग को, तो ये सब आपको समझ सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। सो गाइस, आज का ये वीडियो है डीएमसी का। आप बोलोगे डीएमसी क्या है? सबसे पहले मैं आपको इसका लॉन्ग फॉर्म बता देता हूँ। इसको कहते हैं डीमिलिटराइज्ड जोन। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये कहाँ पे यूज होता है। मेरा तरीका थोड़ा अलग है लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। सपोज आपको एक एनवायरमेंट सेटअप करना है आपके फ्लोर पे, आप जहाँ पे जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस फ्लोर पे उस कंपनी में आपको नेटवर्क आर्किटेक्चर सेट करना है। तो उस टाइम पे आपको बोला रहेगा कि मेरा एक सर्वर रहेगा जो कि वेब बेस्ड सर्वर रहेगा, वेब सर्वर रहेगा, और ऑब्वियसली वेब सर्वर के लिए और एक डेटाबेस भी लगेगा। इसके साथ मेरा एक ईमेल सर्वर रहेगा और बाकी मेरा इंटरनल नेटवर्क रहेगा जो कि मेरा लैन सीधा नेटवर्क में जाएगा और जितने भी यूजर्स है वो उसको यूज करेंगे। तो आप बोलोगे कि हाँ तो ठीक है, मैं राउटर लगाऊंगा, राउटर के पहले मैं फायरवॉल लगाऊंगा, उसके बाद मैं फायरवॉल के बाद जितने भी आईपीस रहेंगे एक पर्टिकुलर आईपी में वेब सर्वर को दूंगा, दूसरा मैं डेटाबेस को दूंगा, अलग अलग इसमें सबनेट्स बनाऊंगा और दे दूंगा। ठीक है, लेकिन आप इतना सब सेटअप करोगे कि लेकिन इसके बाद भी जो हैकर से अगर चाहे तो आपका नेटवर्क इजीली हैक कर सकते हैं या फिर कोई भी मालवेयर अटैक इजीली हो सकता है। अभी ऐसा क्यों हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। आपके नेटवर्क में ट्रैफिक आ रहा है वेब सर्वर का, एड जीरो का, उसके बाद डेटाबेस का आ रहा है, उसके बाद मेल सर्वर का आ रहा है, और चौथी बात आपके जो यूजर्स है वो कौन सी वेबसाइट्स एक्सेस कर रहे हैं, कौन सा कौन सा डेटा रिट्रीव कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो ट्रैफिक वहां पे आपके नेटवर्क में आ रहा है। तो एक हैकर क्या करेगा, आपके नेटवर्क में उसको अगर परमिशन मिल जाती है HTTP ट्रैफिक के लिए, अगर ईमेल सर्वर है तो ऑब्वियसली उसको ईमेल ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। आपके कंपनी ने उसको अगर यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दिया है तो फिर वो ईमेल आईडी एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन ईमेल सर्वर पे नहीं जा सकता, लेकिन वो उसको अगर एक्सेस करना ही है तो वेब ट्रैफिक के थ्रू आएगा, उसके बाद में मैलिशियस एक्टिविटीज करेगा आपके सर्वर पे, तो सर्वर लॉस हो सकता है। तो ये फर्स्ट सिनेरियो है। ये फर्स्ट सिनेरियो में कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बता देता हूँ। इंटरनेट है, इंटरनेट से लाइन आ रहा है जो कि अपना इंटरनेट लाइन रहेगा, वो सीधा आपके फायरवॉल में जा रहा है, फायरवॉल से होके स्विच राउटर में जा रहा है और उसके अंदर जितने भी आपके सर्वर्स है कोर नेटवर्क में जा रहा है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि ये इजीली हैक हो सकता है, तो इसको रिमूव करने के लिए ही डीएमसी का कॉन्सेप्ट जो है वो एक्चुअल यूज में आया है। तो मैं आपको सेकंड सिनेरियो बता देता हूँ कि इसको और किस तरीके से हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग को पता है कि वेब ट्रैफिक है, बाहर से कितने भी बंदे आ रहे हैं तो वो वेबसाइट को एक्सेस करने जा रहे हैं, ना कि अपने मेल सर्वर को। कोई अननोन भी रहेगा, आपकी कंपनी की साइट है और वो साइट बाहर से भी विजिबल है आउटसाइडर्स के लिए, तो फिर होगा क्या कि आउटसाइडर आपके नेटवर्क में जाएंगे और फिर से वो अगर उसमें से कोई हैकर निकला तो वो बाजू वाले मेल सर्वर या फिर आपके नेटवर्क में इंटरफेयर ना करे। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वेब सर्वर और डेटाबेस जो है वो फायरवॉल के पहले लगाना पड़ेगा। इसमें इमेज में आप देख सकते हो कि मैंने पहले इंटरनेट से वायर निकाली, वो डीएमसी में लगाई, और डीएमसी से जो वायर आया इंटरनेट आया तो मैंने वेब सर्वर को दे दिया और डेटाबेस सर्वर को, और इसके बाद जो मैंने वायर है फायरवॉल में डाल दिया। इसका मतलब क्या है, जो 80 नंबर का पोर्ट रहेगा 80 के लिए जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी डीएमसी सीधा वेब सर्वर को दे देगा, और जो वेब सर्वर हैंडल नहीं कर पाएगा रिक्वेस्ट, जो वेब सर्वर की रिक्वेस्ट है नहीं 80 या फिर 443, वो सीधा फायरवॉल की तरफ जाएंगी और वहां पे फायरवॉल चेक करेगा कि ये अपने प्रीमाइसेस में अलाउड है कि नहीं, और उस वहां पे जाके वो अगर चाहे तो पैकेट अलाउ करेगा या फिर ड्रॉप कर देगा। तो अभी फिर से एक सिनेरियो आ जाता है कि डीएमसी में लोड बढ़ जाएगा क्योंकि कोई भी अगर अनवांटेड एक्टिविटी करना चाहेगा तो सीधा डीएमसी से जाके वेब सर्वर में आ सकता है, और आपके वेब सर्वर में भी प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि हैकर जो है वो वेबसाइट या फिर कोई भी बंदा रहेगा उसके लिए अभी वेबसाइट जो है फ्रंट एंड वेबसाइट आपकी है वो इजीली एक्सेसिबल बन गई। डीएमसी क्या करेगा, सिर्फ पैकेट आपको वेब सर्वर तक पर्टिकुलर पैकेट पहुंचा देगा, लेकिन सिक्योरिटी एज पर सिक्योरिटी कंसर्न भी हम लोग को सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए थर्ड सिनेरियो हम लोग देखते हैं। इस थर्ड सिनेरियो में होगा क्या, हम लोग और एक फायरवॉल जो है वो पहले लगाएंगे, इसको फायरवॉल 1 बोल देते हैं, इसके बाद डीएमसी लगा देंगे,
फायरवॉल पे पहले ही टाइम पे जितने भी पैकेट्स हम लोग को अलाउ करने हैं या फिर मैलिशियस एक्टिविटीज वाले जो कुछ भी पैकेट्स रहेंगे वो वहीं पे ड्रॉप हो जाएंगे और सभी पैकेट्स अंदर आ जाएंगे। इसके बाद जितने 80 और 443 वाले जितने पैकेट्स रहेंगे वो हमारा वेब सर्वर देख लेगा और बाकी वाले जो पैकेट्स रहेंगे वो आगे वाले फायरवॉल के पास पास हो जाएंगे। इसके ऊपर आगे वाला फायरवॉल काम करेगा, फिर भी इसमें कुछ मैलिशियस पैकेट्स दिखते तो उस फायरवॉल में ये पैकेट्स ड्रॉप हो जाएंगे और जितने पैकेट्स अलाउडेड है उतने ही पैकेट्स आपके राउटर या स्विच थ्रू आपके मेल सर्वर या फिर आपका इंटरनल जो नेटवर्क है वहां पे पहुंच जाएंगे। तो आपका ये डीएमजी यूज करने का एक यही एक बेस्ट ऑप्शन है। डीएमजी मोस्टली हम लोग वेब एप्लीकेशन या वेब सर्वर के लिए यूज कर लेते हैं और इस जनरेशन में अभी और नए नए फायरवॉल्स वगैरह आ चुके हैं। अगर आप क्लाउड पे जाते हो तो वहाँ पे वेब बेस्ड फायरवॉल वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, लेकिन एज पर ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों आपको इन शॉर्ट समझ आया रहेगा कि ये डीएमजी क्या रहता है और कभी भी डीएमजी को फायरवॉल से पहले लगा देते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर चाहिए तो दोनों फायरवॉल के बीच में आपको डीएमजी लगाना है और इसी बीच में आपको जो अपना वेब सर्वर है वेब एप्लीकेशन है उसके सर्वर्स रखने चाहिए और इसको ही हम लोग डीमिलिटराइज जोन बोलते हैं। आपको अगर सिंपल एक्सपेरिमेंट करना है तो इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ। आपके पास अगर घर में सिंपल नेटगियर का राउटर लगा हुआ है, 3 डंडी वाला या फिर 2 डंडी वाला राउटर रहता है नॉर्मल, तो उस राउटर पे भी आप डीएमजी कॉन्फिगर कर सकते हो। उसमें एक अलग से ऑप्शन दिया जाएगा कि डीएमजी कॉन्फिगर डीएमजी करके। तो डीएमजी यहाँ पे क्या काम करेगा कि आपका जितना पैकेट्स है आपने वहाँ पे डीएमजी कॉन्फिगर करते टाइम आपको आपकी कौन सी डिवाइस पे डीएमजी लगाना है उसका एक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। आपको एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूँ, आपके पास प्ले स्टेशन है तो प्ले स्टेशन का आईपी आपको डीएमजी में लगाना पड़ेगा। तो 80 या फिर बाकी के जो कुछ आप ट्रैफिक घर में आप सभी 10 लोग यूज कर रहे हो तो हर कोई अलग अलग चीज सर्च करता रहेगा। सो आपके प्ले स्टेशन पे जो आने वाला पैकेट है वो सेम पैकेट से, तो डीएमजी में अगर आप कॉन्फिगर कर लेते हो कि प्ले स्टेशन का आईपी एड्रेस, तो पर्टिकुलर प्ले स्टेशन पे जितने भी पैकेट्स आएंगे वो डायरेक्टली आपके प्ले स्टेशन तक ही फॉरवर्ड करेगा, ना कि इधर उधर फॉरवर्ड कर देगा। और जो कि बाकी लोगों के लिए डिस्टर्बेंस या फिर प्ले स्टेशन के लिए आपको नेटवर्क डिले वगैरह एक प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो पर्टिकुलर पैकेट से विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और विदाउट एनी डिले आपके पास पहुंच रहे हैं। तो ये एक अच्छा सा यूज है, अगर आप चाहो तो आपके घर पे यूज कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट आप ट्राई कर सकते हो आपके घर पे राउटर है तो, लेकिन थोड़ा ध्यान रख के। सो गाइस दिस इज इट फॉर नाउ। आज के इस वीडियो में हम लोग ने एक अच्छा पॉइंट डिस्कस किया और आपको हो सकता है कि ये पॉइंट इंटरव्यू में वगैरह पूछ सकते हैं, तो आप एटलीस्ट उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर इंटरव्यूअर आपको पूछता है तो वो कॉन्सेप्ट पूछता है, आपने क्या काम किया, आपको किस कॉन्सेप्ट पे काम किया है, क्या पता है, आपका नॉलेज वो चेक करते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये सब बताना चाहिए। आपका आज एक स्किल इंप्रूव हो गया, एक स्किल ऐड हो गया। सो ऐसे ही नए नए स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, नए नए चीजें जो है उसको जानने के लिए, अभी तक आपने अगर नॉलेज मॉड्यूलेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नॉलेज मॉड्यूलेशन को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।